नेता प्रतिपक्ष के नाते श्री राहुल गांधी जी का लोकसभा के अंदर जो पहला भाषण हुआ है उसने पूरे राष्ट्र की ही नहीं लेकिन भाजपा की जो लीडरशिप है उसके होश उड़ा दिए हैं। जो लोग लगातार राहुल गांधी जी पे हमले करते आ रहे थे उनको कल के भाषण के बाद राहुल गांधी जी की तारीफ करनी पड़ रही है और सारे चैनल्स पे और बड़े बड़े पत्रकारों ने, दिग्गज पत्रकारों ने राहुल जी का लोहा माना है कल के उनका भाषण को लेके, और जिस भाषण को जो है रोकने के लिए या उसमें उनको इंटरप्ट करने के लिए प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ जाए, जिस भाषण को इंटरप्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ गया, होम मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ गया और जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के सहित जो है आदि कैबिनेट को खड़ा होना पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पहला ही भाषण जो है उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब देश के मुद्दे संसद के अंदर उठेंगे और पूरी गंभीरता से उठेंगे। और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब भाजपा के पास नहीं है। जिस पार्टी ने पूरे पिछले दशकों से धर्म की राजनीति की उनको शिवजी भगवान की, भोलेनाथ की तस्वीर पे भी ऐतराज हो गया। जब राहुल जी ने वो तस्वीर दिखाई उस पे भी ऐतराज हो गया तो राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि तीर जो है बिल्कुल ठिकाने पे जाके लगा है। और भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि एक तो पूर्ण बहुमत नहीं है पार्टी के पास, जो 400 की बात करते थे पूर्ण बहुमत नहीं है, ऊपर से राहुल जी के नेता प्रतिपक्ष बनते ही पूरे देश की राजनीति का आकार और पूरा जो है इतिहास और भूगोल बदल गया है। और ये समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाला समय आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा ने अब तक जो है खौफ की राजनीति, डराने की राजनीति की और राहुल जी ने उनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि आपने पिछले 10 साल से एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस ढंग से आपने पूरे देश में जो है डर का माहौल, खौफ का माहौल तैयार किया, झूठ का माहौल तैयार किया, असत्य का माहौल तैयार किया, नफरत का माहौल तैयार किया। ये राहुल जी ने थीम और थ्रस्ट जो है उनको आईना दिखा दिया कल। तो इसलिए जो मुद्दे वहां पे आए, अग्निवीर का मुद्दा जिस प्रभावशाली तरीके से राहुल गांधी जी ने रखा उससे जो है डिफेंस मिनिस्टर जवाब उसको फेस नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, और होम मिनिस्टर तो बार बार संरक्षण मांग रहे थे स्पीकर का, जबकि उनको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण हमेशा विपक्ष को मिलता है, स्पीकर जो है विपक्ष का को संरक्षण देते हैं ना कि सत्तारूढ़ दल को देते हैं। तो बार बार संरक्षण मांगा जा रहा था। और मुद्दे जो है जिस ढंग से महंगाई की बात उठाई गई, जिस ढंग से नीट की बात, एग्जाम्स की बात उठाई गई, युवाओं की बात उठाई गई, जिस ढंग से किसानों की बात उठाई गई, कैसे जिस ढंग से किसानों के साथ जो 700 किसानों की जान चली गई, और ये सारे मसले जो है जो राहुल जी ने कल उठाए, उन्होंने जो है अपने जीवन का सबसे बेहतरीन नेता प्रतिपक्ष के नाते भाषण दिया है और इसने पूरे हिंदुस्तान में अलख जगा दी है। और भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि राहुल गांधी एक अकेले आदमी है जो साहसी आदमी है और जिस आदमी को कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, और ये लड़ाई अब बहुत दूर तक जानी है, ये साफ हो गया है।